हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर पनीर की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने पनीर को पीसेस में कट कर लेना है, फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लें। उसके बाद आपने ना नमक के पानी में से कुछ टाइम रहने देना है, तकरीबन 5 मिनट। और इससे होता यह है कि पनीर ना बहुत ही जूसी और सबसे मेन टूटते नहीं है, बहुत अच्छे बने रहते हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। उसके बाद मैं करूँगी पनीर बनाना स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, उसमें खड़े मसाले ऐड किए, लौंग, शिमला मिर्च, ज़ीरा और इलायची भी स्टार्टिंग में डाल सकते हैं। फिर मैंने चॉपी हुई प्याज ऐड करी, इसको सौते कर लिया। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, जिससे कि जब तक आपने फ्राई करना जब तक कि लहसुन अदरक की निकल ना जाए। फिर आपने सारे स्पाइसेस डालने, तो स्पाइसेस में मैं डाला हल्दी, सूखा धनिया और लाल मिर्च पाउडर। फिर आपने इसे अच्छा सौते करना और हरी मिर्च ऐड करनी है कट हुई हुई। फिर आपने टमाटर का प्यूरे ऐड करना है इसमें, उसको अच्छे से कुक होने देना है। फिर आपने सॉल्ट ऐड करना है और मटर और ग्रेवी को आप अच्छे से 10 से 15 मिनट कुक होने दें मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगा। देखें अच्छे से कुक हो गई हमारी ग्रेवी। अब इसमें मैं पनीर ऐड करूँगी और उसको आपने थोड़ी देर ऐसी कुक करना है। मैंने फ्लेम इस टाइम आपने मीडियम ही रखनी है। और फिर मैं कसूरी मेथी ऐड कर दी है मैंने इसके अंदर, और ढक्कन लगाकर आप इसे कुछ टाइम कुक कर लें। और ये देखिए फाइनल हमारा मटर पनीर बनकर रेडी हो गया, बहुत टेस्टी बनता है। और रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और कैसी बनी है ये भी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।